हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए आज मार्केट में जो झालर और बंधनवार वगैरह मिलते हैं तो वही हम लोग घर में बना के देखते हैं कि किससे ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ये देखिए शॉपिंग बैग है और ये पेपर है जो कपड़ों में और साड़ियों के बीच में निकलते हैं पेपर, वो वाला पेपर है। और ये पॉलीथीन है, तो प्लास्टिक की पॉलीथीन तो हम सभी के घर में आती है और सभी के लिए अवेलेबल होती है, तो हम इसे बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी मैंने 2.5 इंच की चौड़ी पट्टियां कट कर ली हैं इस तरह से, और हमें इस तरह से पट्टियां कट करके इन्हें खोल लेना है और इस तरह से फोल्ड करते जाना है इसको। इस तरह से फोल्ड करके हमें बिल्कुल पतली पतली सी इसकी स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से कट की हैं, इसी तरीके से आप कट कर सकते हैं। और किनारे से इसको इस तरह से लीफ का शेप देना है, जैसे कि फ्लावर की लीफ वगैरह होती हैं वाइट कलर के फ्लावर वाली, तो उसी तरीके से मैंने इनको कट किया है कि जो झालर वगैरह होती हैं उसमें इस तरह से शेप मतलब थोड़ा सा अच्छा आएगा। तो अब हम शॉपिंग बैग लिया है तो उसकी भी पट्टियाँ इसी तरीके से हमें कट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, तीनों की हम एक ही तरीके से एक ही साइज की और एक ही डिज़ाइन से तीनों की इसी तरह से हमें सारे पीसेस कट कर लेने हैं। अब मैंने पेपर लिया है जो शॉपिंग जो हम लोग कपड़े वगैरह लाते हैं तो उनके बीच में इसी तरह का पेपर लग के आता है, तो वही से मैंने बनाया है ये। तो देखिए इस तरह से हमें कट कर लेना है इस तरह से, और सेम इसी प्रोसेस से हमें इसी साइज की पत्तियां कट करके और इसी तरीके से किनारे पे शेप देते हुए हमें कट कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, दीपावली डेकोरेशन के और भी वीडियो मेरे चैनल पर है कि स्वास्तिकम घर में कैसे बना सकते हैं फ्लावर वाला रंगोली वगैरह में सजाने के लिए, और टी लाइट कैंडल होल्डर हम प्लास्टिक की बॉटल से कैसे बना सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट, हम घर में ही डेकोरेशन की दीपावली में सजाने वाली चीज़ें घर में ही बना सकते हैं। तो इस तरह के और वीडियो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, तीनों की पत्तियां इस तरह से मैंने कट कर ली हैं एक ही तरह की। आप चाहें तो कलर्ड भी बना सकते हैं, कलरफुल हो आपके पास तो। तो अब हमें सुई और धागा लेना है और बस उसमें इस तरह से फोल्ड करके हमें एक एक पीस को इस तरह से इसमें डालते जाना है सुई में। बस हमें फ्लावर का शेप बनाते जाना है, इसमें 5 से 6 पीस एक बार में लगेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल फ्लावर का शेप जब बन जाए तब हमें इसे धागे में इस तरह से उतार लेना है, और इसी तरीके से सेम इसी प्रोसेस से हमें सारी जितने पीसेस हमने कट किए हैं सारे पीसेस बनाते जाना है। इसी तरीके से सुई में डालते जाएंगे। ये पेपर से पहले मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि पेपर से हम किस तरह से बना सकते हैं। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और देखिए ये वाली पेपर वाली इस तरह से झालर बन के तैयार हो गई है। तो अब हम शॉपिंग बैग वाले पीसेस जो कट किए हैं तो उसको भी इसी तरीके से हमें सेम इसी प्रोसेस से इस तरह से डालते जाना है, सुई में लगाते जाना है फ्लावर के शेप में और धागे में उतारते जाना है। तो फ्रेंड्स, आप अपने हिसाब से जितना लंबा बनाना चाहें उतनी लंबी झालर बना सकते हैं, या बंधनवार जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। और कलर भी शॉपिंग बैग वगैरह तो कई कलर के आते हैं, रेड है, ग्रीन है, येलो है या वाइट है, जो भी कलर आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो इसी तरह से देखिए ये वाली भी झालर बन के इस तरह से तैयार हो गई है। ये देखिए पूरी झालर बन के तैयार हो गई है इस तरह से, और आप देखकर बताइए कि कौन सी आपको अच्छी लग रही है ज़्यादा, मार्केट के जैसी बन के तैयार हुई है। तो ये देखिए शॉपिंग बैग की है और ये पेपर की है, और अब पॉलीथीन वाली बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीथीन के पीस भी हमें इसी तरीके से सुई में डालते जाना है और फ्लावर का शेप बना के इस तरह से
निकालते जाएंगे तो देखिए इस तरह से प्लास्टिक बैग की भी बना लेनी है। फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सी वाली ज़्यादा पसंद आई है, या मार्केट के जैसी बन के तैयार हुई है, क्योंकि मैंने इस तरह से बनाई है। तो आपको अभी दिखाऊंगी कि मैं इनमें इन झालरों से मैंने क्या क्या बनाया है। इस तरह से झालर बना के और किससे मार्केट जैसी बन के तैयार हो रही है। और देखिए ये भी झालर बन के तैयार हो गई है इस तरह से। देखिए तीनों चीज़ों से इस तरह की झालर बन के तैयार हुई है। ये शॉपिंग बैग की है और ये वाली पेपर बैग की है, पेपर की है, और ये लास्ट वाली प्लास्टिक वाली पॉलीथीन की है। और फ्रेंड्स इस तरह के ये आजकल बहुत फैशन में है, कमल की कलियां जो होती हैं इस तरह से, क्योंकि लक्ष्मी पूजा में लक्ष्मी माता को कमल प्रिय है, तो हम लोग दीपावली में इस तरह की चीज़ों से घर को डेकोरेट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर सी कलियां बन के तैयार हुई हैं। इनको झालर के में इस तरह से अटैच कर सकते हैं और बंधन वार वगैरह बना सकते हैं, और चाहे तो झालर में भी लगा सकते हैं। इसका भी वीडियो मेरे चैनल पर है कि इसे मैंने किस तरह से बनाया है। घर में रखी हुई चीज़ों से ही हम ये सब चीज़ें बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स शॉपिंग बैग से ये वाली कलियाँ भी मैंने बनाई हैं, तो इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा बनने के बाद। देखिए कौन सी वाली आपको ज़्यादा पसंद आई है। ये देखिए पॉलीथीन की है, बीच में पेपर वाली है, और किनारे शॉपिंग बैग की है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में इस तरह की बना सकते हैं। और ये देखिए मैंने ये वाली प्लास्टिक वाली पॉलीथीन से बनाई है, येलो और वाइट कलर की। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी है। और ये बंधनवार है, ये वाला शॉपिंग बैग से बना हुआ है ये वाला बंधनवार। इस तरह से घर में ही बना सकते हैं आप भी। और ये वाली प्लास्टिक बैग से बनी हुई है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि आपको इनमें से कौन सी चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है तीनों में से। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।